हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मुहम्मद बिन तुगलक के बारे में। देखिए, हम तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे थे। हमने जाना कि लॉन्गेस्ट सर्विंग डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत के, जिसने कि टोटल 94 ईयर्स तक रूल किया दिल्ली में। उसके बाद हमने जाना कि इसमें टोटल 3 राजाओं के बारे में हमें पढ़ना है मेनली, ठीक है। कौन कौन से थे? यासुद्दीन तुगलक फर्स्ट, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। सेकेंड है मुहम्मद बिन तुगलक, जिनके बारे में हम आज के वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। और थर्डली, जो कि लास्ट भी एक तरह से रहेंगे, फिरोजशाह तुगलक। अब ऐसा नहीं कि इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे फिरोजशाह तुगलक, उनके बाद भी और आए, बट जो मेन राजा है जिनके बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, काफ़ी कुछ है लिखने के लिए, सिर्फ उनका जिक्र मैं अभी कर रही हूँ। फिर आफ्टर वर्ड्स जो भी आएंगे उनके बारे में भी हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे, सो यू जस्ट डोंट वरी। तो सबसे पहले तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पेपर पेन साथ में रखें और नोट्स बनाते रहें, बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ एक बार आपके नोट्स बन गए फिर आपको टेंशन नहीं रहेगी नेक्स्ट टाइम कहाँ से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो देखिए, साइमल्टेनियसली इंडियन हिस्ट्री, इसमें आप मेनली कह लीजिए मिडिवल हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी, इन दोनों को हम कवर कर रहे हैं। तो अगर आप इन दोनों के नोट्स मेरे चैनल पे साथ साथ बनाते रहेंगे तो बिलीव में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और बहुत जल्दी आपके नोट्स कंप्लीट भी हो जाएंगे। सो हमें पढ़ना था मुहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ही वॉज द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी किंग हु एवर सेट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। दिल्ली का जो सिंहासन था उस पर बैठने वाले सबसे ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड पर्सन थे मुहम्मद बिन तुगलक, राइट। ही वॉज एक्सपर्ट इन अरेबिक, पर्सियन, एस्ट्रोनॉमी, फिलोसफी, मैथ्स एंड मेडिसिन। देखिए, अगर हम आज के डेट में बात करें ना, कोई भी एक पर्सन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी आती है, अपनी लोकल लैंग्वेज आती है, इंग्लिश आती है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। और जो बाहर फॉरन में रहते हैं, जैसे जर्मनी में रह रहे हैं तो जर्मन आती है, फ्रांस में रह रहे हैं तो फ्रेंच आती है, तो ऐसा थोड़ा बहुत हो सकता है। बट इनको आप देखिए, इनको अरेबिक भी आती थी, पर्सियन भी आती थी, एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान था, फिलोसफी का ज्ञान था, मैथ्स का था, मेडिसिन का था, तो कितने ज़्यादा फील्ड्स की नॉलेज थी इन्हें। देखिए, तो हम समझ सकते हैं कि कितने एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे ये, ठीक है। नाउ ही वॉज वेरी एम्बिशियस, बहुत एम्बिशियस इंसान थे ये। इनोवेटिव अप्रोच इन्होंने यूज़ की इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन जो था, प्रशासन जो था, उसमें हर एक जगह इन्होंने बहुत इनोवेटिव अप्रोच यूज़ की। बिकॉज लिटिल सक्सेस, बिकॉज ही वॉज हेस्टी इन नेचर, लेकिन वो सक्सेस नहीं पा सके उस चीज़ में। ऐसा क्यों? बहुत जल्दबाजी इनको रहती थी। इनका ऐसा था कि अगर अब मैंने ये अप्रोच अप्लाई की तो रिजल्ट अभी चाहिए, ठीक है। तो आप कह सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा मॉडर्न थे ये, तो लोग भी इनकी चीज़ों को समझ नहीं पाए ऐसे, ठीक है। तो इनके जो बहुत अच्छी अच्छी अप्रोचेस थी वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, कह लीजिए किस्मत ख़राब थी, नहीं हो पाया, ठीक है। नाउ ही वॉज द ओनली दिल्ली सुल्तान हु हैड रिसीव्ड अ कॉम्प्रीहेंसिव लिटरेरी, रिलीजियस एंड फिलोसफिकल एजुकेशन। ये इकलौते दिल्ली के ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने, जिनको बहुत अच्छी एजुकेशन मिली थी, फिलोसफिकल एजुकेशन कह लीजिए, धर्म से संबंधित एजुकेशन कह लीजिए, इनकी पढ़ाई लिखाई, साक्षरता, सब कुछ जो है वो बहुत अच्छी थी। तो इकलौते ऐसे थे जिनकी पढ़ाई पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया था शुरू से, ठीक है। तो देखिए, ये तो मुहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमने कुछ जाना, बट हमारा मेन फोकस आज है हिज फाइव एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स। ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स थे जो बहुत डिजास्टर्स प्रूव हुए हैं मुहम्मद बिन तुगलक के लिए? तो बस हमें आज की वीडियो में उन्हीं के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हिज फाइव एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स जो कि डिजास्टर्स प्रूव हुए एक टाइम पर चल के। तो इसमें पहला आता है ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। इन्होंने क्या किया, अपनी जो कैपिटल थी उसे ट्रांसफ़र कर दिया। पहले कैपिटल कहीं और थी, बट इनको कुछ फिर और आइडिया आया, कुछ सोचा इन्होंने, कुछ इनोवेटिव, और कैपिटल ट्रांसफ़र कर दी। अब उससे क्या क्या नुकसान हुए, क्या रहा, वो एक हम हल्का सा एक ओवरव्यू के फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट हमारा रहता है ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। तो अर्लियर इनकी कैपिटल थी दिल्ली। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं तो दिल्ली में इनका रूल होगा मेन, है ना, तो दिल्ली इनकी कैपिटल थी। बट सेकेंड कैपिटल इन्होंने बनाई देवगिरी, जिसका नाम बाद में दौलताबाद के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। अब इन्होंने सेकंड कैपिटल क्यों बनाई? टू कंट्रोल साउदर्न इंडिया बेटर। देखिए, इंडिया का नक्शा आपको पता है, इंडिया कितना बड़ा है, लेंथ टू ब्रेथ कितना लंबाई है वो भी आपको पता है। अब दिल्ली से साउथ के एरियाज़ को रूल करना थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है, तो इतना कंट्रोल नहीं रहता साउदर्न इंडिया में। तो इन्होंने क्या सोचा कि साउदर्न इंडिया को अच्छे से थोड़ा कंट्रोल करेंगे, तो चलिए अपनी कैपिटल शिफ्ट कर देते हैं। अब दूसरी बात ये आ गई कि दिल्ली से दौलताबाद का जो सफ़र था वो हो गया 1500 किलोमीटर। अब लोग अपनी कैपिटल शिफ्ट नहीं करना चाहते थे। कैपिटल शिफ्टिंग का मतलब समझते हैं कि जितने भी लोग वहाँ पे हैं उनको अपना सामान बोरिया बिस्तरा लेके किसी दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। देखिए, अपना घर बार छोड़कर, अपना माहौल, अपना क्लाइमेट छोड़कर किसी एक जगह का दूसरी जगह पर जाके सेटल होना, वो भी राजा के ऑर्डर पर, तो बड़ी अजीब सी बात लगती है ना। बट उस टाइम चलो लोगों को करना भी पड़ता था, तो इट लेड टू रिसेंटमेंट अमंग द पीपल। इसकी वजह से क्या हुआ, लोग बहुत दुखी हो गए, वो बिल्कुल शिफ्ट नहीं होना चाहते थे। सो दिस जर्नी मैनी पीपल डाइड ऑन द वे। इस जर्नी में क्या हुआ, बहुत सारे लोगों की रास्ते में डेथ हो गई, खाने पीने की उचित व्यवस्था नहीं थी, इतना सफ़र करना पड़ता था। अब राजा तो जाएगा,
मतलब अच्छे एक वाहन पे जाएगा, प्रजा को तो वैसे ही फिर गुजारा करना पड़ेगा चल फिर के, है ना। तो लोगों की डेथ भी हो गई, लोगों में दुख भी बहुत हो गया था, वो जाना नहीं चाहते थे। लेकिन जो लोग बच गए, जो कि सर्वाइवर्स कहलाते हैं, जो बच गए वो न्यू कंडीशंस में एडजस्ट ही नहीं कर पाए, वो खुद को न्यू कंडीशंस में अडेप्ट ही नहीं कर पाए, ठीक है। जिसकी वजह से उनको फिर इन्होंने क्या किया था, लास्ट में अपनी कैपिटल फिर से दिल्ली कर दी थी और फिर से दिल्ली आके शिफ्ट हो गए थे। बट मेन रीज़न क्या माना जाता है कैपिटल ट्रांसफ़र का, ये तो देखिए नॉर्मल चीज़ें बुक में मिलेंगी। मेन रीज़न ये माना जाता है टू प्रिवेंट दी मंगोल अटैक्स। दिल्ली नॉर्थ वेस्ट के पास में है, कोई भी आएगा सीधे दिल्ली पे अटैक करेगा, तो ये खुद को बचाना चाहते थे मंगोलों के अटैक से, इसलिए ये साउथर्न इंडिया जाना चाहते थे, बट वो चीज़ हो नहीं पाई। सेकेंड अगर हम बात करें तो आती है टोकन करेंसी। अब टोकन करेंसी का क्या कंसेप्ट है, देखिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये भी। एट दैट टाइम सिल्वर शॉर्टेज वर्ड, अब मैंने काफ़ी शॉर्ट में यहाँ पे नोट्स बनाए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, तो मैंने सोचा एक्सप्लेन अच्छे से कर दूंगी, नोट्स शॉर्ट में बना देती हूँ। तो टोकन करेंसी का ये कंसेप्ट है कि जिस टाइम पे हम मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे सिल्वर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी, सिर्फ दिल्ली में नहीं, सिर्फ इंडिया में नहीं, सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। नाउ चाइना ने भी इस टाइम पे क्या किया, पेपर करेंसी छपानी स्टार्ट कर दी। हम पढ़ते हैं ना कि पेपर करेंसी सबसे पहले कौन सी कंट्री ने प्रिंट करवाई थी, तो वो चाइना ने करवाई थी, जब हम करेंसीज के बारे में पढ़ते हैं। बट फिलहाल यहाँ पे ये कंसेप्ट है कि उस टाइम पे सिल्वर की शॉर्टेज हो गई पूरी दुनिया में, चाइना भी जो है पेपर करेंसी पे आ गया। सो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया सा आइडिया निकाला, उन्होंने क्या किया, ही स्टार्टेड इशूइंग कॉपर कॉइन्स। उन्होंने कॉपर कॉइन्स का कंसेप्ट ले आया, ठीक है, और कहा कि जो कॉपर कॉइन है, एक कॉपर कॉइन की वैल्यू होगी सिल्वर टंका के इक्वल। अब कॉपर और सिल्वर में कोई मैच है, आप मुझे बताइए। कॉपर नॉर्मल एक मेटल है, सिल्वर हो गया चांदी, जिसके हम गहने पहनते हैं, पायलें पहनते हैं, अंगूठियां बनवाते हैं, जो कि एक तरह से ऑर्नामेंट्स के यूज़ में आता है ना। तो उन्होंने क्या किया, एक कॉपर के सिक्के को एक सिल्वर के सिक्के के बराबर कर दिया। लोग भी सोच में पड़ गए कि क्या चीज़ है ये, कैसे होगा। तो इससे क्या हुआ, फोर्जिंग ऑफ न्यू कॉइन्स, इसका मतलब समझते हैं। कॉपर तो हर कहीं मिल जाता था उस टाइम पे, है ना। तो इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने मतलब वहां के लोगों ने क्या किया कि जो नए क्वाइंस थे वो कॉपर के क्वाइंस जैसे बनाने शुरू कर दिए, बट वो नकली थे, नकली क्वाइंस बनाने शुरू कर दिए। दस स्टॉप डिट सर्कुलेशन, इसलिए राजा को लगा ये तो नुकसान हो रहा है, मैं इधर बना रहा हूँ क्वाइंस मिंट कर रहा हूँ और वहाँ पे लोग और नकली बना रहे, तो मेरा तो नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने इसकी सर्कुलेशन बंद कर दी एंड इट प्रूव्ड अ बिग डिजास्टर। बाद में उन्होंने क्या किया, हर एक कॉपर क्वाइन के बदले अपनी जनता को एक सिल्वर टंका दिया। अब सोच लीजिए कितना नुकसान हुआ होगा राजा का, ठीक है। तो ये जो सेकंड था टोकन करेंसी, ये भी एक बहुत बड़ी डिजास्टर प्रूव हुई थी उस टाइम राजा के लिए, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। चलिए अब हमने दो एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स तो पढ़ लिए जो बहुत डिजास्टर्स प्रूव हुए, अब बचते हैं तीन, तो उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि पेपर पेन साथ में रखें और नोट्स बनाते रहें। मैं हमेशा हर एक वीडियो में ही कहती हूँ, ताकि आपके नोट्स अगर एक बार देखिए बन जाएंगे ना, तो आपको ही उसका फायदा होगा, ठीक है। सो थर्ड हमारा है टैक्सेशन इन दोआब। दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच का एरिया, लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना। यहाँ तो गंगा एंड यमुना है, बट किसी भी दो नदी, मान लीजिए यहाँ से एक नदी बह रही है, यहाँ से दूसरी नदी बह रही है, तो बीच का एरिया कहलाएगा दोआब, ठीक है। सो यहाँ पे टैक्सेशन इन दोआब, मतलब दोआब एरिया में इन्होंने कोई टैक्स लगाया, उससे कुछ हुआ होगा, तो बस उसी के बारे में पढ़ना है। जो लैंड थी बिटवीन गंगा एंड यमुना, वहाँ पे पहले दो चीज़ें हुई, पहले तो इन्होंने टैक्स लगा दिया, लोग दुखी हो गए, दूसरा उस टाइम पे अकाल पड़ रहा था, भूख, हम कहते हैं ना कि अकाल जो भूख से रिलेटेड होता है, खाने पीने का सामान नहीं है ना, फरमाइन पड़ा था। सो बोथ लेड टू सीरियस पीजेंट रिवोल्ट्स। इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों ने जो किसान थे उन्होंने बहुत सीरियस विद्रोह करने स्टार्ट कर दिए एंड फ्लेड फ्रॉम विलेजेस, गांव से भागना स्टार्ट हो गए। राजा ने क्या किया, उनको पकड़ पकड़ के मारना स्टार्ट किया, कौन भाग रहा है, बहुत उसकी जाँच पड़ताल की, पर नुकसान बहुत हो गया था, किसी ने टैक्स नहीं भरा, भूख का अकाल पहले ही पड़ा हुआ था, अकाल जो भी था फरमाइन, तो काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर्स प्रूव हुआ ये भी। नाउ देखिए, मैं एक बुक पढ़ रही थी, उसमें एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स दिया हुआ था, बट फिर मैंने अपने नोट्स देखे और काफ़ी गूगल पे भी चेक किया, तो ये कोई आपका डिजास्टर्स स्टेप नहीं है। देखिए, टैक्सेशन इन दोआब हुआ तीसरा, और चौथा और पांचवा आप देख सकते हैं, खुरासन एक्सपेडिशन, कराची एक्सपेडिशन, ये मैंने लिखा बट मुझे ये सही नहीं लगा, तो ये एक जो है आप कह सकते हैं कि डिजास्टर्स डिसीजन नहीं था, जबकि ये उनका अच्छा डिसीजन था। हुआ क्या, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आए बीच जैसे में, दो तीन उसने गलतियां कर दी ना राजा ने, अब उसको रियलाइज़ होने लगा कि तो बड़ी डिजास्टर होने लग गया और बहुत नुकसान होने लग गया, तो उसने क्या किया, कुछ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लाए। इसको आप पॉइंट मत समझिएगा, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट के अंदर ही समझ लीजिए चाहे आप इसे। सो सुल्तान रियलाइज्ड कि रियल प्रॉब्लम जो है प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब सुल्तान ने ये चीज़ रियलाइज़ की कि अब ये तो बड़ी प्रॉब्लम बढ़ गई, तो रियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर ढूंढना है, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दो, खेती बाड़ी को बढ़ावा दो। पहली बात, लोग बिजी रहेंगे, कोई विद्रोह नहीं करेगा, दूसरी बात, सब कुछ सही से चलता रहेगा,
ठीक है, जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो जाएगी, जैसे सिल्वर टंग का वो जो हमने पढ़ा करेंसी वाला, उसकी भी थोड़ी बहुत भरपाई हो जाएगी। सो तकवी लोन्स आए, नए लोन सरकार नहीं, जो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी, स्टेट थी, उसने देने स्टार्ट किए लोन्स फॉर कल्टीवेशन, खेतीबाड़ी के लिए कल्टीवेशन, ठीक है, फसलों के लिए। सो सीड्स ताकि हम अच्छी क्वालिटी के ले सकें, फर्टिलाइजर्स थोड़े अच्छे ले सकें उस टाइम के हिसाब से, एंड अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर वॉज ओपन, जिसको हम बोलते थे दीवानी को ही, एक नया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि एग्रीकल्चर के लिए कौन से जो डिपार्टमेंट खोला था मोहम्मद बिन तुगलक ने, उसका नाम तो वो था दीवानी कोही। ठीक है, नाउ तीन हमने रीजंस पढ़ लिए जो बहुत डिजास्ट्रस प्रूफ हुए, अब हमें फोर्थ और फिफ्थ रीजन पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए ऑलमोस्ट हमारा कंटेंट कंप्लीट ही है, तो अगर आप थोड़े बोर हो रहे हैं तो देखिए थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए, वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक का, अदरवाइज आपको फिर इधर उधर भटकना पड़ेगा। सो फोर्थ है हमारा द खुरासन एक्सपेडिशन। जो खुरासन एक्सपेडिशन, खुरासन जो है, इस एक्सपेडिशन, इस अभियान का मतलब है खुरासन और इराक, इन दो जगह पे अटैक करने का सोचा राजा ने। उसका विजन था यूनिवर्सल कॉन्क्वेस्ट, हर एक जगह पे मैं जीत हासिल करूंगा, ये उसका विचार था, उसका विजन था, एक एम था। सो ही मोबिलाइज्ड अ ह्यूज आर्मी, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी आर्मी को लेकर वो गया खुरासन और इराक पे कब्जा करने, मतलब वहां अपनी धाक जमाने, बट ये चीज सफल नहीं हो पाई थी, बहुत पूरी तरह से अनसक्सेसफुल हुआ था। तो ये खुरासन एक्सपेडिशन भी है एक तरह से उनकी लाइफ में एक बहुत डिजास्टर्स डिसीजन प्रूफ हुआ था। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट कराची एक्सपेडिशन, ये भी एक अभियान था किसी जगह के लिए, कौन सी जगह के लिए वो देखते हैं। देखिए कुमायूं हिल्स आती हैं हिमालयाज में, ठीक है, वहां पे था। अब मेनली कुल्लू कांगड़ा रीजन जो था हिमाचल का, वहां पे था, ठीक है, टू ब्रिंग द ट्राइब्स ऑफ दिस रीजन अंडर दिल्ली सल्तनत। अब देखिए आपको अलग अलग जगह अलग अलग मिलेगा। इनका कहना क्या था कि ये सिर्फ इतना चाहता था कि वहां पे जो दिल्ली सल्तनत के साथ में जो ये कुल्लू कांगड़ा वाला एरिया आता था हिमाचल का, वहाँ पे जो ट्राइब्स हैं उनको अपने अंडर करना है। तो पहला अटैक तो इनका सक्सेसफुल हो गया, बट लेटर सफर्ड व्हेन द रेनी सीजन सेट इन। लेकिन जब बाद में बरसात आई तो अब दिल्ली के लोग कहाँ यहाँ की बरसात हैंडल कर पाएंगे, है ना। तो हुआ क्या कि वो एडजस्ट नहीं कर पाए, जो कंडीशंस थी, क्लाइमेटिक कंडीशंस उनके लिए डिफरेंट हो गई थी हिमाचल में, तो वो फिर यहाँ से वापस चले गए, हार गए बहुत बुरी तरह से। नाउ यहाँ पे देखिए अलग कंसेप्ट है, यहाँ पे क्या बताया कि ट्राइब्स पे उन्होंने कब्जा करना था, उनको अपने अंडर लाना था, इसलिए कराची एक्सपेडिशन चला। नहीं, हिस्टोरियंस जैसे कि बदौनी थे, फरिश्ता थे, इन्होंने क्या लिखा है, तुगलक ओरिजिनली वॉन्टेड टू इन्वेड द चाइना। तुगलक जो है वो ओरिजिनली चाहता था कि मैं चाइना पे अटैक करूं, ठीक है। हाउएवर ही फेस लोकल रेजिस्टेंस इन हिमाचल, लेकिन वो हिमाचल में, जैसे वो अपने इंडिया की एक स्टेट में हिमाचल में ही फंस गया और वहां पे लोकल लोगों से लड़ता रह गया और हार गया, ठीक है। नाउ फेल्ड लैक ऑफ प्लान, अब फेल क्यों हुए इसके सारे सारे प्लान्स, कोई रीजन होगा, ठीक है। तो कोई प्लान नहीं था, ऐसे बस उठे और चल पड़े, आइडिया आया चल पड़े, है ना, ये उनका हिसाब था। नाउ ही डाइड एट थाटा सिंध में जाके इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक। तो देखिए आज का वीडियो हो गया है कंप्लीट, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, कोई फीडबैक देना चाहते हैं कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसी के साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहूंगी, अभी तक इंडियन पॉलिटी के हैंड रिटन नोट्स, नेशनल मूवमेंट के हैंड रिटन नोट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नोट्स की वीडियोज मैं अपलोड कर चुकी हूँ, देखना चाहते हैं आप तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। एंड राइट नाउ हम इंडियन ज्योग्राफी एंड मिडिवल इंडियन दोनों को साइमल्टेनियसली कवर कर रहे हैं। तो देखिए इन शॉर्ट जनरल स्टडी से रिलेटेड आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, अगर आपको समझ में आता है, अगर आपको नोट्स के थ्रू पढ़ना पसंद है, तो उस केस में आप मेरे साथ जरूर बने रहें, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट जैसे कोई वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, राइट। एंड मेरे साथ जरूर बने रहें फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। सो दैट्स इट गाइस एंड सी यू सून।